हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाले फ़ोन्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा फ़ोन्स लॉन्च हुए थे, और जो नवंबर था वो उन दोनों महीनों को मीट नहीं कर पाया था। तो जो दिसंबर है वो ऐसा नहीं होने वाला है। दिसंबर में बहुत ही अच्छे फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रियलमी का सेवन जो रियलमी का XT है 730G, वो भी इसी महीने लॉन्च होना है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा बोर ना करते पहला हुए फ़ोन है वीडियो को पोको का F2, शुरू करते। जिसका आप लोग मुझे पता है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पर ये फ़ोन मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में लॉन्च नहीं होने वाला है। ये लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट ईयर जनवरी के फर्स्ट वीक में, या मिड ऑफ जनवरी लॉन्च हो सकता है। तो इसके बाद आते हैं रेडमी के K30 में। ये फ़ोन जो है ये 10 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6.64 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। ड्यूल पंचोल सेल्फी है इसमें, और इसमें आपको 27 वाट की चार्जिंग भी मिलने वाली है। और जो इसका मेन फीचर है वो है कि जो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड में मिला है, जिससे कि आप फ़ोन को बहुत ही जल्दी अनलॉक कर सकेंगे। तो ये मिलने वाला है आपको शायद इंडिया में एंड में दिसंबर में। इसके बाद आते हैं रेडमी के नोट 8 प्रो के 730G वाले एडिशन में। ये भी शायद आ सकता है, क्योंकि रियलमी जब अपना XT 730G ला रहा है, उसके साथ रेडमी नोट 8 730G का भी आना मुझे लगता है कि आ सकता है, और ये लॉन्च हो सकता है एंड ऑफ दिसंबर में। इसके बाद आ जाते हैं हम रियलमी के XT 730G वाले एडिशन में। इसमें आपको सब कुछ सेम मिलेगा, बस इसमें आपको 30W का वुक चार्ज मिलेगा, और स्नैपड्रैगन का 730T वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। और ये लॉन्च होने वाला है मिड ऑफ दिसंबर में, और इस फ़ोन का बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये लॉन्च हुआ था ये तभी कंफर्म कर दिया गया था कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद आते हैं हुवाई के Y9S में। ये फ़ोन भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का पीछे ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, और हुवाई की अल्ट्रा व्यू फुल प्ली डिस्प्ले मिल रही है, और पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है इस फ़ोन में। ये फ़ोन भी शायद इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और ये मिड ऑफ दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। इसके बाद आते हैं हुवाई के Mate 30 Pro 5G एडिशन में। ये फ़ोन इंडिया में नहीं आने वाला है। ये फ़ोन स्पेशली चाइना के लिए है, और ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से 20 से 25 दिसंबर के बीच में लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको 5G देखने को मिलेगा, केरिन का 990 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं ऑनर के 9X सीरीज़ में। मैं आपको बता दूँ कि ऑनर की जो 9X सीरीज़ है वो इंडिया में दिसंबर में नहीं आने वाली है। वो इंडिया में आएगी तो वो आएगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में, 10th of January को, क्योंकि कुछ मुझे कहीं से पता लगा है कि जो ये फ़ोन है ये नहीं आने वाले हैं। तो अगली हम बात करते हैं ऑनर के View 20 के बारे में। तो ऑनर का जो View 20 है वो भी इंडिया में रिलीज़ हो सकता है इसी महीने, मे बी मिड ऑफ आपको दिसंबर में लॉन्च हो सकता है ये फ़ोन। इसमें आपको पीछे ड्यूल कैमरा मिलता है, आगे पंचोल सेल्फी मिलती है, तो देखने में फ़ोन अच्छा है, बाकी मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है ओनर का View 30। ये फ़ोन भी अभी अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च होना है, और ये मेरे साथ जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो तब तक ये लॉन्च हो भी चुका होगा। तो ये फ़ोन देखने में बहुत अच्छा लगता है आपको। इसमें पीछे ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, सामने पंचोल ड्यूल पंचोल वाली सेल्फी देखने को मिलेगी। इसके बाद आते थे हम Vivo V17 के बारे में। ये फ़ोन रशिया में रिलीज़ हो चुका है, जो कि Vivo S1 बन के गया था चाइना में। तो देखते हैं कि इंडिया में क्या यही इसका रिब्रांडेड वर्जन Vivo V17 बन के आता है, या कोई और आता है। मेरे हिसाब से तो यही आने वाला है Vivo का V17 Pro बनकर। तो इसके बाद आता है ओप्पो का एस, जो कि इंडिया में लॉन्च हो सकता है इसी महीने मिड ऑफ दिसंबर में, क्योंकि ये चाइना में लॉन्च हो गया था अक्टूबर से पहले, और इसके हाई चांसेस है कि मिड ऑफ दिसंबर में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके बाद इसको टीज किया जा रहा है फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा, Oppo Reno 3 सीरीज़, जो कि इस महीने चाइना में जा सकती है। इसमें आपको दो फ़ोन देखने को मिलेंगे, Oppo Reno 3 और Oppo Reno 3 Pro, जो कि 5G होगा प्रो वाला।
तो ये फ़ोन भी बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है और बहुत ही जल्द इंडिया में आ सकता है, मे बी नेक्स्ट ईयर आ सकता है। इसके बाद आते हैं ओप्पो के K5 में। ये फ़ोन ओप्पो रेनो एस के साथ चाइना में लॉन्च हुआ था अक्टूबर से पहले, और अब भी इसके हाई चांसेस हैं कि ओप्पो रेनो एस के साथ ये आ सकता है। तो मे बी ये आ जाए तो इसमें आपको पीछे क्वाड कैमरा मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल वाला, और इसकी कीमत कुछ 19 से 20 हज़ार के आसपास होने वाली है। अगला फ़ोन है नोकिया का 8.2। ये फ़ोन जो है ये लॉन्च होने वाला है 5 दिसंबर को, ग्लोबली लॉन्च होगा और उसके बाद बहुत ही जल्द इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। मे बी ये आ सकता है एंड ऑफ दिसंबर में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब ये लॉन्च हुआ था तो वो 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। तो इसके बाद हम बात करते हैं मोटोरेजर के बारे में। ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होना कन्फर्म है, क्योंकि ये मोटोरेजर जो मोटो की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इन्होंने इसे टीज करना शुरू कर दिया है, और इसके हाई चांसेस है कि ये आने ही वाला है इसी महीने। और इसके बाद एक और फ़ोन है जो कि इसी महीने आने वाला है मोटो का, जिसका नाम है मोटो का मोटोरोला 1 हाइपर। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि मोटो द्वारा पहली बार लाया जा रहा है, और इसमें आपको इसकी प्राइस रेंज शायद 15 से 20 हज़ार के बीच हो सकती है, और ये लॉन्च होने वाला है 3 दिसंबर को, जो कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब लॉन्च हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।